लेनोवो का एक लैपटॉप है, उसमें हम इसका कीबोर्ड इनबिल्ट है ऑन टच में, टच पैड में है, तो हमने एक परचेज़ किया हुआ है। तो देखिए ये रहा, और इसकी FRE भी हम पार्ट नंबर डाल देंगे इसमें जो भी है। तो ये लैपी पावर का है, ये हमने नेहरू पे से लिया लैपी पावर का, इसको लगाएंगे तो ये शोल्डरिंग होके लगती है। तो अब इसमें हम पूरा बताएंगे। सबसे पहले आप इसको खोल लीजिए। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप जो भी डिसमेंटल का आप ओपनर का इस्तेमाल करें या जैसे भी, तो मैं यहाँ पर ट्वीज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लीजिए आप। ऐसे केयरफुली, कोई बॉडी वॉडी डैमेज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम मेथड का इस्तेमाल किया। और ये निकल गया, इसको हम रख देंगे साइड। और ये इसका मदरबोर्ड। ठीक है दोस्तों, और ये कीबोर्ड। तो सबसे पहले आपको बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर कीबोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरी, कीबोर्ड, मदरबोर्ड सब हटाना पड़ेगा आपको। तो सारी चीज़ें खोल लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हम हटा के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये है टच पैड, अब इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे इसमें, देखते हैं बदल पाता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको ख़ास तौर से ध्यान देने होंगे ये सारे पार्टिकल्स जो हैं इसके, जैसे ये तो अनयूज्ड में है और ये अनयूज्ड में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला हिस्सा निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आप अपना केबल देख लेना, जैसे मैक्सिमम जो भी है फिंगरप्रिंट वगैरह, तो केयरफुली आप ऐसे निकाल सकते हैं। पहले ऊपर का आप निकालेंगे ऐसे। ठीक है, ये सारे आप निकल जाएंगे, देखिए ध्यान से। बस आप एक ध्यान रखना कि बॉडी ना टूटे, ऐसे निकाल लीजिए।
ठीक है, और कुछ पेच वगैरह हो सकते हैं इधर, तो ज़रूर एक बार देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे पेच लगा हुआ है, तो हमें जल्दी खोलना होगा। तीन पेच लगे होंगे, निकल गया आसानी से। और आपको क्या करना है, कीबोर्ड हटा लेना है यहाँ से, जैसे तैसे था कीबोर्ड, इसमें चिपका होता है, तो इसको आपको आसानी से यहाँ पे हटा लेना है, ठीक है। अब देखेंगे पूरा कीबोर्ड इसमें चिपका होता है, इसे आप हटा लीजिए, कीबोर्ड पूरा रिप्लेस कर दीजिए, एक साथ नई कीबोर्ड लेना है आपको, और इस पर रख लेना है, सेट करना है। पहले चेक करना आपका पार्ट नंबर ठीक है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे सेम कीबोर्ड है, तो सेम ऐसे एडजस्टिस लगा दीजिए, तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा जो कीबोर्ड से रिलेटेड है। तो आपको पार्ट नंबर जरूर मैच करना है, सेम हो तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है इसमें चिपका हुआ, आपको दिखा देता हूँ खोल के, जो इसका ई है ये चिपका हुआ है ऐसे। तो आपको क्या करना है, सेम तरीके से ऐसे डिज़ाइन बनाना है और चेक करना है सब कुछ ओके है, ठीक है। तो आपको सेम ऐसे ऐसे लीजिए की केबल को, देखिए, और इसको यहाँ से हटाइए, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे, जो स्टैंडर्ड होता है वैसे चिपका दीजिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए ऐसे कीबोर्ड बना है, तो फिर ऐसे फोल्डिंग, तो ऐसे कर दीजिए आसपास से। उसके बाद से फिर आपको कीबोर्ड को ऐसे लेना है इस तरह से, यहाँ टू साइड टेप लगा देंगे, जरा सलमान टू साइड टेप दी, यहाँ पे बीच में टू साइड टेप लगा देंगे, फिर ऐसे हो जाएगा सेम कंपनी की तरह, ठीक है। क्योंकि इसमें ग्लू दिया हुआ है तो इसमें चिपक जा रहा है इजीली, तो थोड़ा सा तो टू साइड टेप लेंगे इस तरह और इस पर चिपका देंगे, जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। और इसकी भी वारंटी भी है, तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इस तरह से आप बना के केबल फिर लगाइए। इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये एलईडी कीबोर्ड था और ये नॉन एलईडी है, नॉर्मल है, तो ध्यान हमेशा रखना होगा इसके लिए। तो हम नॉन एलईडी का लगा रहे हैं नॉर्मल, और ऐसे हम चिपका देंगे जैसे इस पर था, ठीक है, ऐसे देखिए कीबोर्ड ऐसे था एज इट इज, ओके। और केबल इधर से हम निकाल लेंगे बैक साइड से, फिर हम इस पर चिपकाएंगे। चिपकाने से पहले आप कीबोर्ड का डायरेक्शन ज़रूर देख लीजिए, अदरवाइज फिर भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे आप, नहीं तो ये दोबारा से आपको टच पैड चेंज करना होगा। वन टाइम ये रिप्लेसमेंट इजीली होता है, अगर सही से रिप्लेस करते हो तो तीन बार रिप्लेस कर सकते हो कीबोर्ड को, लेकिन मोस्टली एक बार सही होता है परफेक्ट, नहीं तो की क्या होती है
सही से लग नहीं पाता है। तो चलिए इसमें हम सेट करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से कीपैड को जैसे पहले था मैप करते हैं, इसको चेक करते हैं मैप करके। ओके, और इसको भी क्लीन करना होता है कई बार आपको खुद से, फिर ये परफेक्ट लगता है। अदरवाइज इसमें भी आपको लगाने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो भी डॉट डॉट पॉइंट है हम इसको लगा लेंगे, फिर हमारा कीबोर्ड लग जाएगा, नहीं तो ये फिक्स नहीं हो पाएगा। और मेक श्योर आपको देखना कीबोर्ड ऐसे इतना बाहर निकलना चाहिए, जैसे बॉडी से बाहर देखना, प्रेस करने पे परफेक्ट लगे। तो इसके लिए आपको एक आयरन की ज़रूरत होगी, टिप करना होगा आपको इसे। इस तरह से साइड का भी रहेगी इधर, ठीक है। तो इस तरह से आप कीबोर्ड लगा सकते हैं। देखिए कीबोर्ड लगने के बाद सक्सेसफुली, उसके बाद से देखिए ऐसे परफेक्ट आप मैच कर लीजिए कहाँ पर लग रहा है कहाँ नहीं। फिर उसके बाद इस प्लेट पीछे लगा के आप टू साइड टेप से भी चिपका सकते हैं, या तो आप इसको जैसे पहले से था वैसे लॉक कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो इस तरह से हमने इसको कीबोर्ड को रिप्लेस कर दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत इजी था। फिर आपको यहाँ पे लगा के यहाँ पे पेच का टाइट कर देना और ऐसे लॉक कर देना है, इस पर भी आपको लॉक करते जाना है आयरन से, ठीक है। और ये आपका मदरबोर्ड में लगेगा, और ये भी टच पैड का, और इसको भी लॉक कर देना है यहाँ से जैसे मैंने बताया था। मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों।